हजारों वर्ष भटकता रहा था। अकेले स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे को खोजता रहा था। चलिए कोई तो मिला जो मेरे बाद उत्पन्न हुआ, जिससे मेरा परिचय हुआ। और फिर नारायण ने ब्रह्मा को सत्य से परिचित कराने का प्रयत्न किया कि उनकी नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, लेकिन ब्रह्मदेव मानने को तैयार नहीं थे। दोनों के बीच बहस छिड़ गई कि पहले कौन आया, आखिर ये फैसला करता कौन कि उन दोनों के बीच श्रेष्ठ कौन है, या फिर उनके अतिरिक्त भी कोई श्रेष्ठ है। शिव का रूप जो स्वरूप विघ्न था, जिसका ना कोई आकार था ना पहचान, बीज रूपी वो लिंग एक बड़े अग्नि लिंग में अपने परम आकार में बढ़ने लगा। आप दोनों में श्रेष्ठ कौन है इसका निर्णय मैं करूंगा। आप में से जो भी इस लिंग के अंतिम छोर या शाश्वत अंत तक पहुंच जाएगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। कई हजारों साल तक वो दोनों उस अग्नि लिंग का शाश्वत अंत खोजते रहे, परंतु अंत पा नहीं सके। इसका कोई अंत नहीं, यह अनंत ज्ञान की तरह है। संभवतः ब्रह्मदेव को इस अनंत ज्ञान रूपी लिंग का प्रारंभ मिल गया होगा। केतकी, यही अंत है? नहीं ब्रह्मदेव, मुझे ज्ञात है मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही प्रथम हूं। इस अनंत छोर को मुझे खोजने की क्या आवश्यकता है, मैं तो स्वयं अनंत हूं। केतकी, तुम मेरे प्रिय पुष्प हो गए, सर्वश्रेष्ठ पुष्प, किंतु तुम्हें मेरा एक कार्य करना है। जो आज्ञा ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, संभवतः आपने इस अग्नि स्तंभ का प्रारंभ पा लिया होगा। केतकी का फूल इसका प्रमाण है। असत्य है ये। असत्य है ये कहना कि मैंने जान लिया है, मैंने अंत पा लिया है। क्या आपने सचमुच प्रारंभ पा लिया है ब्रह्मदेव? सत्य इससे आप जान सकते हैं। ब्रह्मदेव सत्य कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे नारायण? जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं, उसे कोई कैसे नाप सकता है? ये अग्नि स्तंभ तो ज्ञान की भांति है, जिसका ना कोई अंत है और ना ही प्रारंभ।
ब्रह्मदेव, आप दोनों का जन्म इसी अग्निस्तंभ से हुआ है। इसी ऊर्जा से मुझसे हुआ है। सब कुछ जान लेने की धारणा ही तो अहंकार है, और आप में तो निर्माण के ज्ञान का अहंकार है। आप सृष्टिकर्ता तो होंगे, लेकिन आपके इस अहंकार के कारण आप कभी पूजे नहीं जाएंगे। हृदय होने के बाद भी आपकी कभी पूजा नहीं होगी। और केतकी की ये फूल मेरी पूजा में वर्जित होंगे। और दूसरी तरफ नारायण, जो आपकी बनाई सृष्टि का पालन करेंगे, हर रूप हर अवतार में पूजनीय होंगे। मैं क्षमा चाहता हूं आदिनाथ, मेरे अहंकार को नष्ट कर आपने मुझे नव जीवन दिया। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा।